पवित्र 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 हालेलुया यीशु धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद आज के दिन के लिए धन्यवाद आज की सुबह के लिए धन्यवाद आज की परमेश्वर पिता मॉर्निंग प्रेयर के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हालेलुया मेरे सच्चे और अच्छे जीवित परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी ओ यीशु धन्यवाद तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो जय जयकार हो मेरे परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हालेलुया रक्तम जयम यीशु कलो की जय तारीफ हो मेरे सच्चे और अच्छे परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 ओ जिंदा परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी धन्यवाद सभी मसीह भवन आज की भोर की तड़की प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु की स्तुति करें प्रभु की तारीफ करें प्रभु की जय जयकार करें हालेलुया मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी धन्यवाद यीशु जय जयकार हो महिमा की योग्य तारीफ की योग्य बड़ाई की योग्य प्रशंसा की योग्य मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता हालेलुया हालेलुया जय जयकार हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु जय जयकार हो कुछ क्षण धन्यवाद करें प्रभु की तारीफ करें अपने हाथों को उठाएं घुटनों के बल आकर आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद करें इस प्रार्थना को ध्यान से सुने मन लगाकर सुने प्रभु आपसे बात करेगा प्रभु आपसे आज बात करने वाला इसी वक्त जिस जगह में हो हम मेरे प्रिय कहीं भटक रहे थे इधर उधर मेरे प्रिय हमारे जीवन को हम लगा रहे थे लेकिन आज परमेश्वर यहोवा खुशियों से भर देगा आपके जीवन को आपके परिवार को आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं रिश्ते नातेदार सभी जन के परिवारों को घर को परमेश्वर यहोवा आज आपके मेरे प्रिय जीवन को खुशियों से भरने वाला है हालेलुया मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद यीशु तारीफ मेरे महान परमेश्वर पिता हालेलुया जय जयकार हो महिमा की योग्य तारीफ की योग्य बड़ाई की योग्य प्रशंसा की योग्य मेरे जीवित परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद यीशु सभी मसीह भाई धन्यवाद करें जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करो यस हालेलुया ओ जीवित महान परमेश्वर पिता धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता ओ जीवित परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी धन्यवाद यीशु तारीफ की योग्य बड़ाई की योग्य प्रशंसा की योग्य मेरे परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी धन्यवाद यीशु तारीफ हो हालेलुया स्तुति हो तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता आज की सुबह में धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी और जितने मसीह भाई आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता जितने मसीह भाई इस प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनके परिवार में उनके घर में तेरी बरकत को तेरी सुरक्षा को तेरी आशीष को दे रहा प्रभु जी क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा परमेश्वर के सम्मुख आओ तो वह भी तुम्हारे पास में आएगा वो परमेश्वर हालेलुया इसलिए मैं कहता हूँ आज मेरे प्रिय मसीह भाई आज इस प्रार्थना को आप जहाँ से भी सुन रहे हैं जैसे भी सुनते हैं मैं नहीं जानता लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया यीशु धन्यवाद रक्तम जयम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आज मैं विश्वास करता हूँ जी प्रत्येक मसीह भाई जितने आज तेरे पास में तेरे निकट में प्रभु जी बैठे हैं प्रभु जी मसीह यीशु आज उनके ऊपर तेरी ज्योति चमकने पाए प्रभु जी उनके परिवार के ऊपर उनकी ज्योति और उनका प्रकाश चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया धन्यवाद यीशु तारीफ हो धन्यवाद आज यीशु मसीह के नाम से बदल दो हर एक बंधन टूटने पाए हर एक तमाम सैतानिक शक्तियाँ छूटने पाए हर एक रिश्ते प्रभु जुड़ने पाए आज परिवार जो टूटा हुआ परिवार यीशु के नाम से प्रभु जी जुड़ने पाए और प्रभु उनके परिवार में खुशियाँ और आनंद शांति को छुटकारा को चंगाई को आप देना पिता ताकि परमेश्वर पिता उनके परिवार में प्रभु जी तेरी अनुग्रह तेरी सुरक्षा रहने पाए प्रभु जी वो बढ़ चढ़ कर प्रभु तेरी महिमा करने पाए वो बढ़ चढ़ कर प्रभु तेरी आराधना करने पाए वो प्रभु तेरी स्तुति करने पाए और हर एक मसीह जितने आज तेरे डर भर में जीवन को जीते पिता और सबकी इच्छा और सबकी जरूरत इस मसीह के नाम से पूरा होने पाए आज मेरे प्रिय मसीह भाई आपके परिवार में जो है टूट गए थे आपके परिवार में लड़ाई और झगड़ा गुस्सा क्रोध टेंशन तमाम शैतान जो है आपके परिवार में फैला कर रखा था लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई जितने लोग आज प्रभु की प्रार्थना को सुन रहे हैं वचन में कहता है परमेश्वर के सम्मुख में सुख की भरपूरी है आनंद की भरपूरी है यहोवा यरे उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा शांति देने वाला परमेश्वर वो सचमुच में आपके जीवन को बदल देगा आपकी परिस्थिति को बदल देगा आपके उठना बैठना चलना करना सारी चीज़ों को वो जानता है परमेश्वर इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई आपके जीवन में जितनी भी वो परेशानियाँ
जितने भी दुख है कष्ट है उसको दूर करो और आज प्रार्थना को सुनो। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेगा, क्योंकि हम जब प्रभु से बात करते हैं, जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी समस्याओं को निकालता है, वो हर एक बीमारियों को दूर करता है और हमारे परिवार में, हमारे घर में वो खुशियाँ और आनंद से भर देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो आपके जो है जीवन बदल जाएगा, परमेश्वर के वचन आपके जो है भविष्य को बदल देगा, आपकी जितने भी संकट है, जितने भी मुसीबत है उसको दूर करेगा और आपके परिवार में मेरे प्रियो खुशियाँ ही खुशियाँ और आनंद ही आनंद देगा आपके परिवार को। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं एक विश्वास के साथ, समर्पण के साथ कि प्रभु मेरे परिवार को बदलेंगे, ऐसे करके मैं प्रभु जितने ऐसे व्यक्ति आज विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके परिवार और प्रभु जी तेरी आशीष और तेरी करुणा होने पाए पिता। आज प्रभु जी उनके परिवारों को खुशियों से भर दो पिता, ताकि प्रभु जी वो परमेश्वर पिता कभी किसी मनुष्य के प्रभु जी कभी किसी मनुष्य की प्रभु जी पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता तेरे वचनों के पीछे भागने वाले हो जाए पिता, तेरे वचनों को पीछे चलने वाले हो जाए पिता। कई ऐसे मनुष्य, कई ऐसे विश्वासी भाई बहन मैं देखता हूँ उनके परिवार में जो है, उनके घर में जो व्यक्ति जहाँ बता दिया वहीं जो है खुशियों को पाने के लिए वो जाते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं तो नदी में, कहीं पहाड़ में, कहीं मेरे प्रिय ये व्यक्ति के पीछे, कहीं वो व्यक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहन हमारा परमेश्वर को वचन कहता है, परमेश्वर को वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपको जो है परिवार में, आपके घर में वो खुशियाँ और आनंद देगा, वो शांति छुटकारा देगा आपके परिवार को, मेरे प्रियो वो आनंद से भर देगा, वो परिवार आपके आपके जो है घर को खुशियाँ और आनंद से भर देगा। जितने भी आज आपके परिवार में कष्ट है, दुख है, मुसीबत है, सबको दूर करेगा वो परमेश्वर, आपके जीवन को बदल कर आपके परिवार मेरे प्रियो खुशियाँ और आनंद से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर जिसने आज आपको और मेरे को बनाया, वो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। इस धरती में, इस पृथ्वी में आप देखते हैं जितनी भी चीज प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रिय मसीह अपना, इस प्रार्थना को आप जहां से भी सुनते हैं विश्वास के साथ सुनेंगे तो आपके परिवार में सचमुच में परमेश्वर यहोवा खुशियों और आनंद को देगा और आपकी जो है परमेश्वर यहोवा सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सच्चे और अच्छे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, तारीफ की योग्य, बड़ाई की योग्य, प्रशंसा की योग्य मेरे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, ओ जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, तारीफ हो, मेरे अच्छे और सच्चे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ परमेश्वर आज पिता बदल दो प्रभु जी, उनके परिवार में खुशियां और आनंद को देना प्रभु जी, उनके परिवार में हर एक जी प्रभु जी आज पिता टूट गए थे पिता, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे पिता, इधर भागते भागते वो थक गए थे पिता, लेकिन प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन और प्रभु जी तेरे काम इस मसीह के नाम से उनके साथ होने पाए पिता, उनके परिवार में, उनके घर में तेरी सुरक्षा और रक्षा होने पाए प्रभु जी। आज हर एक जन के जीवन, हर एक जन की परिस्थिति को बदल दो प्रभु जी। उद्धार करता परमेश्वर आपको तहे दिल से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले जाए, और जितने आज तेरे डर भय में जीवन को जीते पिता, वो सब के प्रभु जी विश्वास और भरोसा तुझ पर होने पाए प्रभु जी। वो परमेश्वर पिता आपके वचन में ये भी कहता है पिता, तू मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और संकट के दिन मैं तेरे संग रहूंगा, कहता है परमेश्वर वचन। और जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठ रहेगा वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई, अगर आप परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के निकट में आज बैठे रहते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को जो है बुलाते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे ओर से जो है आशीष को पाएगा, वो मेरे ओर से उद्धार को पाएगा, चंगाई और छुटकारा को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, रक्तम जयम, रक्तम जयम, यीशु के लहू की जय, तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 वो बदलने के लिए धन्यवाद, खुशियाँ और आनंद भरने के लिए धन्यवाद,
धन्यवाद और शांति और आनंद देने के लिए धन्यवाद यीशु। ओ मेरे परमेश्वर पिता बदल दो प्रभु जी, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता छू लो और टच करो, बदल दो यीशु, छू कर टच करो। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक प्रकार की सैतानिक समस्या गेट आउट होने पाए और आज उनके परिवार में प्रभु जी ज्यों के त्यों खुशी और आनंद को भरना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता कभी किसी व्यक्ति के लिए, कभी किसी भली वस्तु के लिए प्रभु जी उनके जीवन में, उनके परिवार में घटी कमी ना होने पाए पिता, लेकिन प्रभु तेरे डर और भय में चलने वाले हो जाए पिता, लेकिन प्रभु तेरे वो प्रभु पास में, तेरे निकट में, तेरी हुजूरी में चलने वाले हो जाए पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ आज एक एक परिवारों के प्रभु जी घर में, एक एक जन के जीवन में प्रभु आपने खुशी और आनंद को दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज ब्लेस करो, आशीष करो, सहायता और मदद करो और हर एक जन को छू कर टच करना और उनको चंगाई और छुटकारा देना प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपने सारे लोगों को प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन।